नमस्कार दोस्तों, मेरे इस आंगन से घर तक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कोथिंबीर की वड़ी। घर के बिना चुने सामान से बनने वाली आसान सी रेसिपी है ये। बनाने में बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं कोथिंबीर की वड़ी। मैंने फ्रेश और हरी धनिया ली है, जो अच्छे से साफ करके तीन पानी से धोकर अच्छे से बारीक काटी है। धनिया साफ कैसे करते हैं इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो का पार्ट वन देखें, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मसाले के लिए मैंने हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, लहसुन की कलियां, जीरा, हींग, स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस मिक्सर के जार में लेके बारीक पिसा है। अब एक तरफ हमें छन्नी को थोड़ा सा तेल लगा लेना है। अब मैंने अच्छे साफ कटी हुई धनिया ली है, उसमें बाजरे का आटा, बेसन का आटा, थोड़ा चावल का आटा, तिल और मिक्सर में पिसा हुआ मसाले किया है। अब इस मिश्रण के बड़े बड़े गोले बनाने हैं। अगर मिश्रण बहुत ही सूखा हो तो इस पे थोड़े से पानी के छींटे मार के उसे गीला करके उसके फिर बड़े बड़े गोले बनाने हैं। अब छलनी में यह सब गोले रखने हैं। अब गैस पे बर्तन में पानी लेके उसमें छलनी रखनी है और ऊपर से ढक देना है। बीच बीच में देखते रहना है कि मिश्रण पका है या नहीं। मिश्रण पक गया हो तो उसे ठंडा करने के लिए रखना है और ठंडा होने के बाद उसे चाकू की मदद से बारीक या मीडियम साइज के स्लाइस कर लेने हैं। इसी तरह से सब स्लाइस कट कर लेने हैं। अब कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखना है और यह स्लाइस तेल में थोड़े ब्राउन होने तक तलने हैं। स्लाइस धीमे आंच पे तलने हैं। इसी तरह से कोथिंबीर वड़ी के सब स्लाइस धीरे धीरे करके तलने हैं। कोथिंबीर वड़ी बनके तैयार है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।